अस्सलाम वालेकुम व्यूबर। क्यों व्यूबर, आज मैंने देगे पकवानी थी और नूर इमाम के दरबार पर ले जाने थी, जो मेरी मन्नत थी। तो आज हम देगे पका रहे हैं। देगे पकाने का मंजर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा कि तो हमारा जो कटरी वो आया हुआ है और वो देगे वगैरह पका रहा है, और जो जो चीज़ें दरकार हैं वो सब मैं उनके पास ले आया हूँ। तो वीडियो बहुत अच्छी और मज़ेदार बनने वाली है, तो सब दोस्तों ने वीडियो के साथ साथ जुड़े रहना है, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो अभी हमारे कटरी वगैरह ने देह के नीचे आग वगैरह दी है और इसमें पानी वगैरह भी डाल दिया है। तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खिशमिश और ये रंग जो जर्दे में जाता है वो भी पड़ा हुई है, चीनी वगैरह भी पड़ी हुई है, और देह में नीचे से आग लगी हुई है। और दूसरी देग में हमने घी वगैरह भी डाल दिया है ताकि जब पानी उबल के चावल उबल जाए तो इस दोबारा इसमें डाल के ना तो जल्दी से जर्दे की देग को तैयार किया जाए, क्योंकि जर्दे की देग थोड़ा सा टाइम लेती है। तो अभी हम चावल वगैरह को साफ़ कर रहे हैं पानी से, चावल धोने के बाद अभी हम उसमें जा के चावल वगैरह डालेंगे। चावल वगैरह डाल के इसको पहले 15 से 20 मिनट उबालेंगे, उबालने के बाद फिर इसको निकालेंगे, फिर इसको दूसरी जो देग हम जिसमें घी डाला था उसमें डालेंगे। उसमें तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद फिर इसमें उतार लेंगे, तो उसके नीचे फिर हम दम वगैरह लगाएंगे, तो हमारी देग जर्दे की हो जाएगी तैयार। तो अभी हम जा रहे हैं, तो ये छोटे छोटे बच्चे भी आप देख सकते हैं, अभी हम जा रहे हैं और देग वगैरह भी अभी चावल वगैरह डाल रहे हैं। चावल वगैरह डालेगा, डालने के बाद इसको 15 से 20 मिनट तक उबालेंगे, क्योंकि आग नीचे लगी हुई है, तो 15 से 20 मिनट में ये चावल मतलब कि उबल जाएंगे। और तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि अभी चावल वगैरह हमने उबाल लिए हैं, तो आप देख सकते हैं कि चावल अभी उसने देख से निकालना वगैरह स्टार्ट कर दिया है। तो अभी आपको नज़र भी आ रहा होगा या धुआं धुआं जो भी नज़र आ रहा होगा, गर्म चावल हम देख से बैन निकाल के यहाँ पर आप इसमें दोबारा हम दूसरी जो देख है अभी उसमें भी घी वगैरह डाल दिया है। तो ये दूसरी देख आप देख सकते हैं कि इसको चीनी वगैरह भी डाल दिए है इसमें, और इसको दोबारा भी हमने इसके नीचे आग लगा दी है। तो ये इसका शीरा वगैरह देख सकते हैं, अब देख वगैरह तैयार हो गया है। अब इस नीचे हमने उसको दम दे देना है, और जो कोयले हैं वो इसके दो गोल चारों तरफ हमने डाल देने लगा देने, ताकि ये मतलब है कि जो नीचे से अगर थोड़ी बहुत कच्ची भी होगी वो भी पक जाएगी। तो जो बेहतरीन और अच्छी और बेहतरीन हमारी जर्दे की देग है वो तैयार हो जाएगी। तो एक जो कारीगर है वो इसके नीचे आग के जो गोले हैं, जो टुकड़े वगैरह हैं, वो यहाँ पे डाल रहे हैं, जो आपको नज़र भी आ रहे होंगे। और दूसरी तरफ ये रंग वगैरह भी पड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम माल व्यवहार, क्या हाल हो, मैं कैसा सर व्यवहार, ठीक ठाक हो। सो मैं नाजम हुसैन, तुसर पे यूट्यूब चैनल नाजम रवानी। ये तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं मन्नत पर, तो मन्नत पर चलते हैं और नूर इमाम एक दरगाह है, वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर आपको उसका दीदार भी करेंगे, विजिट भी करवाएंगे। तो देगे वगैरह मैंने लोड करवा दी हैं, तो देगे वगैरह भी रखवा दिए, तो चलते हैं फिर नूर इमाम की तरफ, तो वहाँ पर जाके आपको वहाँ की सैर कराते हैं।